सरकार ने ये वर्ड लेके आया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितना समान अधिकार आज के टाइम में लड़कों को है, उतना ही हम लड़कियों को देना चाहते हैं। जो इच्छाएं लड़के पूरे कर पा रहे हैं, वही इच्छाएं हमें लड़कियों की पूरी करवानी है। जिस काबिलियत के साथ लड़के आज खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने समाज की डेवलपमेंट कर रहे हैं, वही काबिलियत हम लड़कियों को दें और वो भी अपने समाज की उतनी डेवलपमेंट कर पाए। और थोड़ा बहुत हम एग्री भी है सरकार से, आपने किया है काम। आज हमारे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, पहले के मुकाबले बहुत बढ़ा है। इस सरकार ने बढ़ाया है, बहुत सारे प्रोफेशन में कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनमें लड़कियों को अधिकार मिलने लगे, जॉब्स मिलने लगी। गवर्नमेंट में वुमेन पुलिस लाइन खुली है, वुमेन हेल्पलाइन खुली है, हुआ है, बहुत काम हुआ है। हम सरकार से थोड़ा सा एग्री करते हैं। आज भारत को भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता, भारत माता के नाम से जानी जाती है। लेकिन पता है एक बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है, आज भी पूरी दुनिया में मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन में चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत, जिसको हम भारत माता कहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? आप लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा। आप लोगों ने करा एम्पावरमेंट, वो करा है मेट्रो सिटीज में, टीयर वन सिटीज में। जो हमारे रूरल एरिया में आपने क्या वुमेन एम्पावरमेंट करा है, आप लोग नहीं कर पाए। अरे जिस धरती की सीमाओं को लांघकर आसमान की ऊंचाइयां छुई, उस कल्पना चावला के देश में आज लड़कियों को घर की दहलीज पार करना मुश्किल हो रखा है। और क्यों हो रखा है? डरती हैं, झिझकती हैं, डरी बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? पता है रावण बैठा है बाहर, ताक से बैठा है, दुशासन बैठा है बाहर, अभी पकड़ेंगे। वो डर रही है, किनसे डर रही है? वो डर रही है उसकी पवित्रता पर सवाल उठाने वाले उस समाज के ठेकेदारों से, जो हर बात पे उसके रोका टोकी करते हैं। क्या कर सकती है लड़की? क्या वो घर पे बता सकते? घर पे भी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? पता है जो थोड़ी बहुत आजादी मिली वो भी छीन ले जाएंगी उनसे। पुलिस को नहीं बता सकती, पता है वो तो सीधा घर पे आएंगी। बची फीस में या दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, क्या डेवलपमेंट करेंगी उनकी? आपने एक बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें हम मानते हैं, सम्मान करते हैं उसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। हमारे समाज ने उसका पूरा सम्मान करा, हमारे रूरल एरिया ने पूरा सम्मान करा। सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर आज, लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, 1020 है लड़के 1000 है। आपने एजुकेशन की बात की, वुमेन लिटरेसी रेट बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। हमने पैदा भी करा, हमने पढ़ाया भी, क्या सुरक्षा दी आपने बता दीजिए? फरीदाबाद में कॉलेज के बाहर एक लड़की को जितने पैदा भी करा, उसको पढ़ाया भी हमने, कॉलेज के बाहर जबरदस्ती किडनैप किया गया उसको, उसने अपनी आवाज उठाई, आवाज उठा के क्या कहा, नहीं जाऊंगी, उसको गोली मार दी, गोली मार दी, उसकी डेथ होगी या तो मेरे पार्वन। ऐसे देंगे आप सुरक्षा? उस लड़की की जिंदगी खत्म होगी। उस लड़की की जिंदगी खत्म नहीं हुई, समाज में रहने वाली 50-60% लड़कियों की जिंदगी खत्म होगी उस दिन, जिस दिन वो कांड हुआ। सुरक्षा नहीं हुई। घरवालों के पास क्या मैसेज गया? घरवालों के पास क्या समझती है सरकार? एज बढ़ा दी 21 साल आप लोगों ने, क्या बोझ है क्या लड़कियों के लिए? ना पैसे की फिक्र है घर वालों को, हर कोई माँ बाप चाहता है उसकी बेटी की उतनी पढ़े जितना उसका बेटा पढ़ रहा है, वो भी काबिल बने, वो भी ऑफिसर बने। लड़की तो गौरव है, लड़के तो बस नाम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी उनको भी पता है 21 साल उम्र होना इसका वो सोल्यूशन नहीं है। कुछ पढ़ाना चाहते 21 या 25 साल तक भी पढ़ाएंगे, PhD भी करवाएंगे हम, लेकिन पता है 18 साल की उम्र जब हो जाती है लड़की की, तो रावण और दुशासन कॉलेज के बाहर घूम रहे होते हैं अपने जीन में। हम आपको नहीं दिखता, इस सरकार को नहीं दिखता। हर दिन कॉलेज में गुंडागर्दी, पता नहीं क्या क्या चलता है, अभी भी कॉलेज में नीचे घूम रहे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर घूम रहे होंगे। अरे आप लड़कियां, लड़के भी आपके सेफ नहीं आज के टाइम में, किसी को कुछ कह दो तभी गुंडागर्दी हो जाती है कॉलेज में शुरू। किसान आंदोलन में लॉकडाउन में एक नेता आता था किसान विरोध करने जाते थे, इतनी पुलिस फोर्स आपने पूरे पूरे शहरों में खड़ी कर दी, क्या आप उन्हें कॉलेज नहीं सुधार सकते, शिक्षा नहीं सुधार सकते? वुमेन एम्पावरमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक आप ऐसे कानून बनाते रहेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट आएगा तो वो तभी आएगा जब आपकी शिक्षा सुधारेंगे, शिक्षा में डिसिप्लिन लेके आएंगे, कॉलेज में बच्चों को सिखाएंगे कि लड़की का सम्मान भी सम्मान करें, खुद भी करें, अपने समाज में भी ये बात फैलाएं। आपने कानून बना रखे हैं क्राइम होने के बाद के, क्राइम रोकने के लिए आपने क्या स्टेप उठाया, एक भी बता दीजिए मेरे को, एक भी बता दीजिए आप मेरे को, नहीं उठा पाएंगे।
21 साल की उम्र का मुद्दा नहीं है सरकार के साथ। आप सही है, सही खोफ में है गांव वाले लोग। खास पंचायत कह रहे कि हम नहीं मानते। नहीं मान सकते वो। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पता है रावण दुशासन, इनको सुधारिए आप, एजुकेशन सुधारिए आप, डिसिप्लिन लाइए, सेफ्टी लेके आइए। तो अगर मेट्रो सिटीज में आप डिसिप्लिन है, क्यों है? क्योंकि पैसा है उनके पास, प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजते हैं, प्राइवेट कॉलेज में उनको पढ़ाते हैं, वहां डिसिप्लिन है, सेफ्टी है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। बाप अगर सुबह बेटी को भेजता है, उसके नहीं भेजता कभी कॉलेज में पढ़ने के लिए, पूरा दिन चिंतन में रहता, आज ना हो जाए। ठीक है, टाइम की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन लड़कियों के लिए बस कही जाऊंगा, आप में से कुछ है, हर कोई 10 में से 6 लड़कियां जाती है, हमारी लाइफ लड़कों जैसी होती है, लेकिन उन 6 को छोड़िए, आप 4 की बात करूंगा मैं आपसे। आप 4 हो, आप 4 आगे बढ़े, थोड़ा सपोर्ट सरकार देगी, थोड़ा सा हमें उम्मीद है यूनिवर्सिटी में हम कुछ ऐसा करेंगे, हम भी कुछ कर पाएंगे उनके लिए, और उन 4 से ही उम्मीद है मेरे को। आप आगे बढ़ो, हम आपके समाज को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, अच्छी। थैंक यू।